नमस्कार दोस्तों, फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने किरदारों से हमेशा दर्शकों को हैरत में डाल देते हैं। फिल्म में वो उस लुक में ढल जाते हैं जिसका वो किरदार निभा रहे हैं। फिल्म मंटो में जब उन्हें लोगों ने लेखक शहादत हसन मंटो के किरदार में देखा तो हैरान रहे। अब वैसी ही हैरानी लोगों को उनकी आने वाली फिल्म हड्डी के लुक को देखकर हो रही है। इस फिल्म में पहली बार नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक महिला ट्रांसजेंडर का रोल निभा रहे हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म हड्डी का फर्स्ट लुक इसी साल 23 अगस्त को सामने आया था। नवाज को ट्रांसजेंडर के रोल में देख फैंस दंग रह गए थे। उनके इस लुक को लेकर हर ओर बज था। अब नवाजुद्दीन ने हड्डी में ट्रांसजेंडरों के साथ काम करने के अपने अनुभव को साझा किया है। उन्होंने गुरुवार को ट्वीट कर अपने दिल की बात कही। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने आज जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने दो तस्वीरें भी शेयर की हैं और तस्वीर में नवाजुद्दीन साड़ी पहने हुए दिख रहे हैं। नाक में बेसर है और माथे पर बिंदी है। इसके अलावा साड़ी से मैच की हुई चूड़ी भी उन्होंने पहनी हुई है। तस्वीर में उनके इर्द गिर्द कई ट्रांसजेंडर नजर आ रहे हैं। नवाज ने लिखा कि हड्डी में रियल लाइफ ट्रांसजेंडर महिलाओं के साथ काम करना एक अविश्वसनीय अनुभव रहा। बता दें कि नवाजुद्दीन हड्डी से पहले फिल्म मंटो में लेखक के तौर पर छा गए थे। इसके अलावा फिल्म ठाकरे में उन्होंने शिवसेना के प्रमुख रहे दिवंगत बाला ठाकरे का किरदार निभाया था। जब उनका लुक रिलीज किया गया तो दोनों में फर्क करना भी मुश्किल हो रहा था क्योंकि वह हूबहू बाल ठाकरे जैसे ही दिख रहे थे। आपको बता दूं कि हड्डी फिल्म की रिलीज डेट तो अभी सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि ये अगले साल सिनेमा घरों में दस्तक देगी। दोस्तों, नवाजुद्दीन की एक्टिंग के लिए एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।